साथियों को आश्वस्त करना देना चाहता हूं कि ये सरकार प्रतिबद्ध है, हमने हमारे किसानों से वचन किया है, उस वचन को स अक्षर हमारी सरकार पूरे करने के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत जल्द घोषणा करने वाले हैं कि 1 लाख तक का ऋण मुक्त ब्याज मूल्य ऋण दिया जाएगा और 4,000 एकड़। बोला तो कर रहा है क्या? अब ये देखिए, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है, देखते क्या करते हैं। अभी बहुत सारी प्लानिंग्स हमारी सरकार की चल रही हैं, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, और जैसे ही हमारी विभागों के साथ बैठक होगी आदरणीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार, हमारा पूरा विभाग काम करेगा और जो भी किसानों के हित में होगा वो फैसला वो हम लोग हमारी सरकार करेंगे। वंदे मातरम को लेकर जो हल्ला चल रहा है, वंदे मातरम को मतलब उन्होंने अभी फिलहाल स्थगित कर दिया सीएम साहब ने, अब बोले जो नए स्वरूप में लाएंगे, तो नया स्वरूप क्या रहेगा वंदे मातरम? जब हमारे मुखिया ने बोल दिया तो हम दोनों क्या बोलेंगे? मुखिया बोल चुके हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सकारात्मक राजनीति करें, और आपने शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुना नहीं, उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को नए स्वरूप में लेकर के हम लोग आएंगे, और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा स्पष्टीकरण देने की हमको जरूरत नहीं है। अब ये तो आप आने वाले टाइम में आपको मालूम चल जाएगा, एक आध दिन में, थोड़ा तो इंतजार करें शिवराज सिंह जी। अब सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की नहीं है, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। आपने किसानों के सर्वे के आदेश तो दे दिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अधिकारी पहुंचे नहीं है, जबकि बीजेपी की कार ने भी अपना सर्वे करा रही है, बीजेपी की कार्यकर्ता ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, वो क्यों कर? हमारी टीम, हमारे लोग काम पे लग चुके हैं, और बहुत जल्दी उससे सर्वे होगा और हमारे किसानों को उनको नुकसानी का। मंडी टैक्स एक बड़ा इशू रहा है, वचन पत्र में भी आपने बात कही, किस तरह की प्लानिंग है मंडी टैक्स को लेकर? देखिए, अभी तो बैठकों का दौर जारी है, अभी कुछ भी कहना बहुत, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी होगा, और बहुत जल्दी हम सारी जो कल हमारी एक बैठक हुई थी उसमें हमने, जब चुनाव में हम गए थे, हमने हमारे किसानों के साथ में जो जो वचन किए थे उन वचनों को हमने पूरा एक एक बिंदु पे हमने चर्चा करी है, और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन वचनों को हम कैसे समय सीमा में उनको पूरा कर सकते हैं, उसको आप उसकी तैयारी आप करके आइए, और बहुत जल्दी बिचौलियों को लेकर किस तरह का रुख रहेगा, क्योंकि इनकी वजह से कई बार किसानों को भी और व्यापारियों को भी परेशानी को उठाना पड़ता है, किस तरह का रुख रहेगा कांग्रेस सरकार का, कृषि मंत्री का? नहीं देखिए, अगर कहीं भी किसान का अहित होगा तो वो हमारी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं। मानव अधिकार की बात को लेकर मंडी में 50 दिन को लेकर प्रारंभ की गई, उसको लेकर इंदौर में 2 दिन से लक्ष्मी नारायण मंडी बंद, व्यापारी उस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे, तो उसको लेकर क्या रहेगा जी, 2 दिन से किसान अपना माल बेच नहीं पा रहे। देखिए, अगर किसी पक्ष की कोई चिंताएं हैं, उनकी कोई परेशानियां हैं, उन पक्ष को साथ में लेकर के बैठ करके उनसे चर्चा करके, जो भी फिलहाल कोई योजना नहीं है, कर्जा माफी इतनी बड़ी योजना है, कर्जा माफी इतनी बड़ी योजना है, और आप कह रहे कि कोई योजना नहीं है? हाँ भाई, कर्जा माफी अपने आप में इतनी बड़ी योजना है जिसमें प्रदेश के इतने सारे लाखों किसानों को उसका फायदा होने वाला है, और हमारी सरकार की ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसान हमारे उस हो नहीं गया है, वो चल रहा है, अभी उसके ऊपर चल रहा है। एक अहम सवाल ये भी था, फूड प्रोसेसिंग आपके पास में है, और इसी को लेके एक बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आलू के खेत में कोई ऐसी मशीन लगने वाली है जिससे सोना निकलेगा। बिल्कुल लगेगी, आप चिंता नहीं करें, एक ऐसी व्यवस्था हमारे हमारी सरकार करेगी जहां पर हमारा किसान, हमारा नौजवान सभी आगे बढ़े, ये हमारी सरकार की कोशिश है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होना चाहिए, होंगे, क्या बात आपकी होम मिनिस्टर से इस बारे में होगी? जी हाँ, ये चर्चाएं हो चुकी हैं, जो भी किसानों के ऊपर जो फर्जी या ऐसे मुकदमे जबरदस्ती जो है दायर किए गए हैं, उनकी समीक्षा करके उन सारे फैसलों को वापस लेने का काम किया जाएगा, सारे केसेस।